तो फ्रेंड आज हम बनाएंगे ताजी हरे भुंटे से एकदम मुंह में पानी ला देने वाली कॉर्न चाट की रेसिपी। इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ये हम ताजी हरे भुंटे ले लेंगे इस तरीके से, और इनको हम इस तरीके से बीच से तोड़ लेंगे, और इनके दाने हैं वो हमें निकाल लेने हैं। तो ये देखिए, तो ये दाने आसानी से निकल आते हैं, तो हमें इनको दानों को निकाल करके फटाफट तैयार कर लेना है। तो ये फ्रेंड रेसिपी है, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से हम इनको दाने इसके जो हैं वो सारे हम निकाल करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, दाने हमारे निकल करके तैयार हो गए हैं ये सारे। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें बॉयल बिल्कुल नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन में इनको डालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम डालने के बाद अब इसमें हम 2 चम्मच मिलाएंगे बेसन। इस तरीके से बेसन डालने से फ्रेंड इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, बिल्कुल नया तरीका है, बहुत बढ़िया आसान तरीका है। तो अब इसमें डाल के अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इस तरीके से। थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और उसके बाद डाल देंगे इसमें हम चाट मसाला इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे ये नींबू का रस, थोड़ा सा इस तरीके से नींबू का रस डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पे पानी लेंगे इस तरीके से, इसमें छींटे लगाएंगे। पानी हमें एकदम ज़्यादा नहीं डालना है, और इसको इस तरीके से हम मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, और इस तरीके से इसके ऊपर एक कोटिंग लगा करके हम तैयार कर लेंगे बेसन और कॉर्नफ्लोर की इस तरीके से। इस तरीके से ये देखिए, अब इसके ऊपर कोटिंग लग करके ये तैयार हो गई है। तो अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो इस तरीके से बनाने से इसका टेस्ट है फ्रेंड बहुत बढ़िया आता है। आप इसे बिना चाट के भी ऐसे ही तल के खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल को इस तरीके से चेक करेंगे। तो देखिए, ऑयल में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब ये कॉर्न हमने जो बना करके तैयार करके रखे हैं वो हम इसमें डाल देंगे। तो हम 2 बैच में इनको सेकेंगे। तो पहले हम इस तरीके से इसको डाल देंगे, और मीडियम आँच पर हम इनको हल्की कंजी चलाते हुए सेकेंगे। तो ये करीब 5 से 6 मिनट में सिक करके ये तैयार होते हैं फ्रेंड। तो इस तरीके से हम इनको चलाते हुए हल्की कंची से सेक कर तैयार कर लेंगे। तो 5 से 6 मिनट में ये देखिए सिक करके तैयार हो गए हैं इस तरीके से। अब इनको हम फटाफट निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे बढ़िया से सारे सेक करके हमने तैयार कर लिए हैं। तो इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि ये एकदम क्रिस्पी एकदम करारे हैं। तो गर्मा गर्म आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट है, क्योंकि हमने इसमें नमक और नींबू और चाट मसाला डाला है, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो इस तरीके से हम इनको ले लेंगे। अब हम इनकी बनाएंगे चाट। तो इस तरीके से हम आधी की चाट बनाएंगे, आधी हम ऐसे ही रख लेंगे, ऐसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में। तो फटाफट इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने कुछ सब्जियां काट करके ले ली हैं इस तरीके से। प्याज ले लिया है, हरी मिर्च ले ली है इस तरीके से, टमाटर डाल देंगे, थोड़े से डाल देंगे हम इसमें अनार के दाने। उसके बाद डाल देंगे ये भुने हुए जीरे का पाउडर, ये भुना हुआ धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर इस तरीके से डाल करके, नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। तो ये हमने धनिया पत्ती डाल दी है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। आप और भी इसमें कुछ डाल सकते हैं, गाजर भी डाल सकते हैं, जो आप पसंद करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने मन मुताबिक चीज़ें डाल करके इनकी चाट बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड, एकदम टेस्टी सी चाट हमारी बन करके तैयार है, और बहुत अच्छी लगती है। तो इसे आप जल्दी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, नहीं तो ये ठंडी हो जाती है, तो थोड़ी सख्त हो जाते हैं इसके दाने। तो इस तरीके से ये देखिए कितनी बढ़िया चाट हमारी बनकर के तैयार हुई है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।